सवाईमाधोपुर जिले के बजीरपुर में पुलिस ने कार्रवाई कर अवैध रूप से शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपित के कब्जे से 8 पेटी देशी शराब और 2 पेटी बियर जब्त की गई। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। आज रात को हमने बजीपुर ठेका है, उसके सेल्समैन को ठेके के पास में एक आदमी में कमरा बना हुआ है, उसमें दारू बेचते हुए पकड़ा। मेरे पास कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि 9 बजे 8 बजे के बाद टाइम के बाद भी ये लोग दारू को पास वाले बने कमरे में बेचते हैं। उस पर हमने जाके कार्रवाई की। कितना माल बरामद किया था? उसमें 8 पेटी तो देसी शराब की है तथा 2 पेटी बियर की। भरतपुर जिले के ब्याना में 45 करोड़ की लागत से बनेगा रोड ओवर ब्रिज, विधायक ने किया शिलान्यास। इसके बनने से मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले वाहनों को सुविधा मिलेगी। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। ब्याना में जो आरोप सेंशन हुआ है, ये ब्याने का जो शहर कही है ब्रह्मबाद वाला बोलते हैं, और एक है हमारे डुमरिया पार्टी, और वो दोनों आरोप जो सेंशन हुआ है 45 करोड़ 82 लाख रुपए, और उसका मेरे ख्याल से 55 करोड़ रुपया उसका सेंशन हुआ। और ये बड़े दिनों से काफ़ी ब्याने की जनता के लिए काफ़ी दिनों से मांग थी हमारी, और ये हमारी सरकार जैसे वसुंधरा राजे जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, पिछले बजट में सेंशन करा और अब इसका काम चालू हो गया है और जल्दी से जल्दी ये पूरा भी होगा। चित्तौड़गढ़ जिले के निम्बाहेड़ा उपखंड के कनेरा थाना क्षेत्र में 20 माह से लापता युवक का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। 18 वर्षीय पुत्र के अगवा हो जाने से परिजनों का बुरा हाल है। आइए देखते हैं संवाददाता की रिपोर्ट। आपको क्या डाउट है, क्या हो सकता है, क्यों गायब है? क्या पता है, इससे कोई अनुमान ही नहीं हो, धार्मिक वृत्ति का आदमी था, न कुछ घर बता के भी नहीं गया। आप बच्चे योगेंद्र कुमार चारण 18 साल का है, जो बच्चा चला गया है सुबह 5 से 6 बजे के टाइम में, उसका अभी तक कोई पता नहीं चला, इसे पता लगाया जाए। योगेंद्र कुमार पिता ईश्वर कुमार चारण निवासी कनेरा की करीब 20 माह पहले गुमशुदगी दर्ज हुई, जिसके संबंध में श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा गुमशुदा बालक की तलाश बाबत झालानी डूंगरी पत्रकारों को टीवी पर देने के लिए लिखा हुआ है, एवं इसमें एक मानव खोपड़ी गुजरखेड़ी सरहद में मिली, जो भी एफएसएल जांच के लिए भिजवाई जा रही है। इसके ब्लड ग्रुप वगैरह सब कंप्लीट करके मोबाइल डिटेल कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है, गुमशुदा की तलाश की जाकर प्रगति लाई जाएगी। इसी प्रकार देश विदेश की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए K2S न्यूज। इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।